हाँ नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि जनता कर्फ्यू से स्टार्ट हुआ 22 मार्च का जो कर्फ्यू था, उससे 23 मार्च को ही अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी का सीधा बयान था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और इसे लॉकडाउन में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन उस तब्दीली के बाद जहाँ घनघोर दावे के साथ केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि हम आज के डेट में करीब 4 लाख से ऊपर लोगों को भोजन देने की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ ऑर्डर की बात है, जहां दिल्ली पुलिस अपनी पूरी मशक्कत के साथ पूरी एरिया के अंदर कहीं लाठीचार्ज भी कर रही है तो कहीं किसी को भोजन खिलाते भी मिली है। लेकिन आज भी इन रोडों पर कहीं ना कहीं साइकिल रिक्शा का चलना और ई रिक्शा का चलना और सब्जी बाजार का खुलेआम चलना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और कुछ इसमें और भी जो दुकानदार हैं कहीं ना कहीं मनमानी रेट भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबों के बीच में मैं ऐसे एक शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जो नीरज गुप्ता जी के नाम से जाने जाते हैं। इनका एक ये एसोसिएशन चलता है जिसके प्रधान भी रहे और जिस झुग्गी में ये निवास करते हैं वो दिल्ली की पॉश एरिया है जिसे कालीबाड़ी कहा जाता है। उस झुग्गी में लगभग 5,000 से ऊपर की आबादी है। इनका कहना है, ये क्या कहना चाहेंगे, सरकार के क्या संदेश देना चाहेंगे, मैं जानना चाहूँगा नीरज गुप्ता जी से। आइए नीरज गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सी इकत्ती के कैंप कालीवाड़ी मार्ग गोल मार्केट नई दिल्ली एक से का निवासी हूँ, ठीक है। और यहाँ के माननीय विधायक भी हमारे माननीय केजरीवाल जी हैं और यहाँ के सीएम भी केजरीवाल जी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन होने के बाद यहाँ पर मनमानी की जा रही है। लेकिन जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। जो जितने भी इन्होंने नंबर दिए हैं एमएलए सीएम या सीएम ऑफिस वगैरह, सारे के सारे गलत हैं, सारे विधि जाते हैं, कोई भी उन पर जो है कोई कानून कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पर सी इकत्ती जे कैंप में क्या आसपास के एरिया में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर 10 रुपये का अगर बीड़ी का बंडल लेने जाओ तो वो भी 16-16 रुपये का बिक रहा है। यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, समझे, 40 रुपये किलो आटा बिक रहा है। यहाँ पर लॉकडाउन होने के बाद लोग, हम लोग सब घरों के अंदर रहते हैं तो हमारे रोजमर्रा का जो काम है वो, हमारा काम भी बंद हो गया और जो 2 पैसे हैं हमारे पास गुप्ता जी, वो भी आप एक जिम्मेदार आदमी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी तक किसी के घरों में राशन बांटा गया, खाना बांटा गया, नहीं बांटा गया? अभी तक यहाँ पर जितना भी दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई भी राशन इत्यादि कोई भी सामग्री वगैरह नहीं बांटी गई है, नहीं बांटी, नहीं किसी विभाग द्वारा। ये अरविंद केजरीवाल की एरिया है, यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल जी। जी, अभी तक यहाँ किसी प्रकार का कोई भी राशन इत्यादि, कोई भी खाना इत्यादि नहीं बांटा गया है। तो जहाँ 23 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख है, इसके बीच में अभी तक कोई राहत नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी राहत नहीं है। तो यहाँ से कुछ लोग अपने घर जाने की, जैसे यूपी बिहार के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, कुछ लोग जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे उससे, जा रहे हैं क्या? यहाँ पर वो एक तरह का अगर देखा जाए तो ये भुखमरी की कगार पे है इस समय, समझे। 22-23 तारीख से लेकर के आज जो आपकी आज 27-28 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई व्यवस्था है, न खाने पीने की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। सारे के सारे हम एक दूसरे के सारे, कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई किसी को खाना दे रहा है, बस इतना ही कर रहे हैं। मतलब आपस में लोग, हाँ आपस में ही कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जी हाँ, आपस में बांट रहे हैं। और सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई भी राहत नहीं मिली हमें अभी तक, सरकार किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। और ये जो रिक्शा की बात आ रही है, रिक्शा चालकों को ले जाने के बाद आपको पता है कि कितना कोरोना वायरस फैल सकता है? जी हाँ, यहाँ पर पैडल रिक्शा भी चलाया जा रहा है, जबकि पैडल रिक्शा नई दिल्ली एरिया में बैन है, और इस समय लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो यहाँ बैन लगा हुआ है और ई रिक्शा भी चल रहे हैं कुछ, और वो भी पुलिस वालों की मिली भगत से चल रहे हैं इस समय। यहाँ पर आपके उद्यान मार्ग, सब्जी मंडी, एच ब्लॉक के पास में लगाई जा रही पटरी, जबकि गवर्नमेंट ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है और सीएम ने भी कहा है कि यहाँ पर बाजार जो है लगाया नहीं जा सकता, ये मार्केट लगाई नहीं जा सकता। ये सरकारों ने छूट दिया कि राशन की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, बेकरी की दुकान, ये जो आवश्यक और मेडिकल की दुकान है, ये खुली रहेंगी। बिल्कुल सही आपकी बात, गवर्नमेंट ने ये कहा है जो दुकानें खुली रहेंगी, सफल की दुकान है जिस पर सब्जी इत्यादि, दूध, मदर डेयरी वगैरह और जो मेडिकल स्टोर, ये सब जो जो एनडीएमसी की दुकानें हैं उस पर उपलब्ध होगा, ना कि पटरी, पटरी अलाउ नहीं है, नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, कहने के बावजूद भी इनको किसी को कोई पास नहीं दिया गया, यहाँ के लोकल पुलिस बाकायदा मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। आप तो गुप्ता जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि लाइन ऑफ ऑर्डर के बाद ही दिल्ली पुलिस यहाँ मालिक है, जिसको चाहेगी वो चलता रहेगा, जी हाँ चाहेगी वो नहीं चलेगा? बिल्कुल, वो दिल्ली पुलिस अपनी मनमानी कर रही है इस समय, ठीक है। यहाँ पर 4 आदमी अगर खड़े होते हैं तो लठ बरसाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर आप मंडी में देखिएगा, मंडी पूरी लगा रखी है, समझे, लेकिन कोई भी उस पर बैन नहीं है, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी वहाँ खड़ी हुई है और दिल्ली पुलिस खड़े होकर खुद काम ही करवा रही है। लेकिन गुप्ता जी, अगर 4 आदमी खड़ा होते हैं तो उससे कोरोना वायरस फैल सकता है? बिल्कुल सही है, समझा भी तो रही है। आप वहाँ देखिएगा ना, पटरी पटरी पे जो कैसे चिपक चिपक के बैठे हुए हैं, सारी मंडी में कैसे बैठे हुए हैं,
नहीं, ये एक दो आदमी है, यहाँ पर मंडी लगाना तो अलाउ नहीं है। जिस सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ने कहा है कि पटरी अलाउ है ही नहीं। मंडी तो सर बहुत दिनों से लगती आ रही, नहीं नहीं बहुत दिनों से लगती आ रही थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद मंडी बंद हो चुकी थी। मंडियों के लिए, दुकानों के लिए वो लखा था सफल पे मिल रही है। आज जो आप एक दो आदमी जाता है साइकिल पे, अगर जा रहा है कोई मियां बीवी जा रहे हैं ना, तो उस पर लठ मार रहे हैं। नहीं वो अपना आई कार्ड दिखाओ, अब उनसे पूछो ना वो कौन सा उनका ठिया बंदा हुआ क्या, वहाँ गवर्नमेंट ने हिस्ट्री दे रखा है उन्हें या अलाउटमेंट कर रखा है उन्हें। वहाँ पर सिर्फ ये है पहले आओ पहले पाओ वाला, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये धांधली लोगों ने दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी की मिली वगैरह से चल रही है। और अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा यही कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद नियम सबके लिए एक जैसे लागू किए जाए। ये नहीं है कि कोई अपना कोई पराया। आज आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खाना बांटा जा रहा है, यहाँ पर नहीं बांटा जा रहा है। झुग्गी कैंप में आज की भारी मात्रा में झुग्गी कैंप के अंदर जो है लॉकडाउन की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पर लोग मान भी रहे हैं तो उनके जो है ना उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्रधान जी केजरीवाल जी ने यह कहा है कि सारे विद्यालयों में खाने की व्यवस्था कर दी गई। विद्यालयों में कौन, जहाँ से कौन जाएगा, कौन से स्कूल में जाएगा? स्कूल सारे बंद पड़े हैं, कौन से विद्यालय में जाएगा हमें इसकी जानकारी है ही नहीं। यहाँ 5,500 की आबादी वाला ये क्षेत्र है हमारा C31JJKM, इसमें किसी प्रकार की आज तक जो कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, न सेंटर द्वारा न राज्य द्वारा कोई भी सुविधा नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और ना ही खाने पीने की व्यवस्था। बहुत धन्यवाद आपसे। आप देख रहे हैं जैसा कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर सीधा प्रहार है, जहाँ वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम सबके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं पर प्रधान का कहना है कि अभी तक 5,000 आबादी से ऊपर की ये बस्ती है जहाँ पर अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है, जबकि सब के सब इस कॉलोनी में झुग्गी में रहने वाले लोग हैंड एंड माउथ अपना रोजमर्रा का काम करके ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। उन्हें घरों में रहने के लिए तो मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उनके खाने पीने की किसी भी प्रकार की किसी को कोई चिंता नहीं है। सर हम लोग रिक्शा चला रहे हैं। तो रिक्शा चल तो रही नहीं रहा, इस समय तो बंद है, खाने वाने का कैसे चला? सर हम लोग जो 2-4 दिन काम किए थे सर, उसी पैसा से हम लोग गुजर अभी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे विद्यालय में गरीबों के लिए खाने के लिए व्यवस्था हो गई है दो टाइम का। जी अभी तक हम लोग को साथ अभी तक कोई नहीं आया कहने के लिए कि यहाँ खाना बट रहा है। आप घर जाना चाहेंगे? जी सर हम लोग इस समय तो हम लोग को घर जाना जरूरी है सर, हम लोग को कोई व्यवस्था हो जाता तो हम घर चले जाते। कौन प्रधान जी? यार फिल्टर में खांसी होती थी। कितने का ही? कितने का है? 12 मैं 10 वाला मार 12 का कर दिया। ये कौन सा? यही वही है, इनसे खांसी होती है यार। और सबको सामान भी मिलेगा। लॉकडाउन चल रहा है ना, तो उसकी दिक्कत बहुत। आलू का रेट? अंडा भी बंद कर रखा है क्या? आलू 30 रुपए। कब तक आ जाएगा, कुछ आइडिया है? सब्जी मेरे बढ़िया तो नहीं आगे पड़ा हमने शिव जी हमने दोनों गेम एक हाँ अलग कुछ हो गया गेम। गोभी का रेट? कैरेट भी 40 रुपये। 40 रुपये ये आपका हो गया। और कुछ लेना है? शिमला मिर्च हो गया 40 है, खीरा और 10 50 और ये 50 100। और ये हो गई 50 150 700 और 150 ये हो गया। एक मेथी
60, 210, 30 की मूली, 240 और 30 की ये 260, ठीक बस 270 और बोली 45 की कितना वो कितना वो 45 दे दी 45 साले तू वहीं बैठा हुआ है आलू क्या रेट है 40 करियो दो किलो कर दो कितने क्या रेट है 40 रुपए यार आसमान तोड़ रखा मटर क्या रेट भाई मटर 40 रुपए किलो लूट मार मचा रखी है आलू का रेट आलू 30 रुपए भैया 30 रुपए 30 रुपए भीड़ से लड़की भैया बंद करने की नहीं कह रहा हूँ जब तर्क पूछ रहा हूँ मैं तर्क कर रहा हूँ तुमसे